लेआउट। अभी आप HTML 5 स्ट्रे कर रहे हो तो HTML 5 में बहुत आसान तरीके से हमने ये बनाया है पूरा लेआउट, तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। पहले सेम लेआउट बनाने के लिए आपको बहुत सारे व्यूज, टेबल, ULI यूज करके ये पूरा लेआउट बनाना पड़ता था, लेकिन अभी HTML 5 में उन्होंने खुद कुछ ये बनाया है, टैग्स बनाए हैं, जिसके ज़रिए आप बहुत आसान तरीके से वेबसाइट का लेआउट बना सकते हो। जैसे कि देखिए, यहाँ पे NAV करके एक टैग बनाया हुआ है, तो NAV टैग में आप जस्ट ULI डाल देते हो तो आपका नेविगेशन रेडी हो जाता है। उसके बाद आर्टिकल, आर्टिकल टैग आप यूज करते हो तो उसमें आप डायरेक्ट आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर सकते हो पे टैग देके। उसका पोजीशन फिक्स हुआ, जैसे कि देखिए ऊपर देखिए हेडर, हेडर हमने NAV डाला, हेडर टैग डाला तो वो हेडर की जगह हेडर ने ले ली। CSS भी पूरा हटा देता है। देखिए यहाँ पे मैंने पेज स्पेसिफिक डी टैग डाला हुआ है और कुछ CSS उसका विड्थ और डिफाइन किया हुआ है। ये देखिए इस तरह से अभी ब्लैंक पेज आ रहा है, एक सिर्फ डीओ आ रहा है। उस डीओ में हम हेडर डालते हैं, तो हेडर का एक जैसे हेडर नाम का एक टैग है वो हम बॉडी में डाल दिया। ये देखिए इस तरह से, और उसके लिए कुछ CSS है, जैसे कि उस CSS में हमने लिखा है पैडिंग कितना होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए। बस ये यहाँ पे हमने CSS पेस्ट किया। तो देखिए आपको पुराने मतलब CSS HTML 5 के पहले यही चीज़ करने के लिए बहुत सारा कोडिंग की ज़रूरत पड़ती थी, कोडिंग डालना पड़ता था। अभी सिंपल है, जस्ट बैकग्राउंड कलर और ये अलाइनमेंट वगैरह दे दिए, तो इस तरह से हेडर आ गए। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की अभी ज़रूरत नहीं है HTML 5 में। उसके बाद नेविगेशन बार डाल देते हैं आप, तो जस्ट NAV का टैग डालना है, क्लोज करना है, और NAV के लिए जस्ट वो CSS है लेकिन वो ULI के लिए है। जैसे कि अपने लास्ट इसमें स्टडी के बाद उसका डिस्प्ले वगैरह फ्लोट ये देना पड़ता है, इसलिए हमने वो CSS लिया हुआ है ULI। ये CSS हम यहाँ पे डाल देते हैं और NAV टैग डाल दिया ऑलरेडी हमने। तो देखिए यहाँ पे कितना सिंपल है ये अभी एक वेबसाइट का लेआउट बनाना। ये देखिए ये नेविगेशन बार अपना आ गए। देखिए अभी यहाँ पे हमें ULI के ये नन करने पड़ेंगे, हाँ ये स्टाइल नन, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा इस तरह से। देखिए से वो आ गई, मतलब आप देखिए HTML 5 में कितना इजी हो गया है पूरा ये जानने के लिए। और आर्टिकल, अभी आर्टिकल डालेंगे,
पोजीशन ध्यान में रखिएगा, हमें हेडर के नीचे आर्टिकल डालना है। ये उसका राइट पोजीशन है एक्चुअली नेविगेशन के नीचे, और अभी इसके नीचे हमें फुटर डालना है। देखिए अभी कितना सिंपल हो गया है कि हम जस्ट हेडर टैग डाल दें तो हेडर का पोजीशन फिक्स हो जाता है, नेविगेशन टैग डाल दें तो नेविगेशन का पोजीशन फिक्स हो जाता है, उसके बाद आर्टिकल डाल दें तो आर्टिकल का पोजीशन फिक्स हो जाता है, फुटर डाल दें तो फुटर का पोजीशन फिक्स हो जाता है। मतलब ये हेडर उसकी जगह डिफाइन करता है, नेविगेशन उसकी जगह डिफाइन करता है, आर्टिकल उसकी जगह, फुटर उसकी जगह, उसको उतना जितना पेज चाहिए उतना साइज चाहिए उतना अपने आप वो डिफाइन कर लेता है। अभी यही आप एक्सटर्नल फाइल के पहले की में यूज़ करते हैं तो आपको उसके लिए बहुत सारा मैनेजमेंट करना पड़ता है।